हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, नया चैप्टर ये रासायनिक बंध और आणविक संरचना। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग का कारण क्या है और बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो लेसन से देख सकते हो नाम है रासायनिक बंध, तो समझ लेते हैं रासायनिक बंध क्या होता है। यौगिक, आई होप कि तुमको पता होगा यौगिक क्या होता है, कंपाउंड। तो दो या दो से अधिक तत्वों से जो मिलता है वो यौगिक होता है। ठीक है, तो यौगिक में जो तत्व तो होते हैं जिस बंध द्वारा एक दूसरे से के साथ जुड़े होते हैं वही होता है रासायनिक बंध। ठीक है, एग्जाम्पल समझो, जैसे HCl हो गया। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये एक कंपाउंड है, यौगिक है। तो इस यौगिक, पूरे यौगिक में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जिस बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं तो वही क्या हो जाएगा, रासायनिक बंध। डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो कि किसी यौगिक में उपस्थित कोई तत्व तो या परमाणु जिस बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं वही होता है रासायनिक बंध। ठीक, तो बेसिकली जो बॉन्ड होता है, बंध, वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अगर तुम हायर लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, IIT या JEE का, तो उसके लिए जो बॉन्ड होता है वो दो प्रकार का होता है। देख लो, थोड़ा सा डेमो दे दे रहा हूँ, देखो। पहला जो होता है इंटर एटॉमिक होता है। एटॉमिक मतलब क्या होता है, एटम मतलब परमाणु। ठीक है, तो परमाणु के अंदर जो बॉन्ड होगा वो होगा इंटर एटमिक। एक होता है इंटर मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स अणु होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो इंटर मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो इंटर एटमिक में जो आते हैं वो आते हैं, आयनिक बॉन्ड आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, कोवैलेंट बॉन्ड आता है और चौथा जो होता है वो मेटलिक बॉन्ड आता है। ठीक, देख लो, पहला जो होगा वो आएगा वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। तीसरा जो होगा वो होगा उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध। चौथा जो होता है वो होता है धात्विक बंध, धात्विक बंध। तो आज हम लोग बेसिकली तीन पढ़ेंगे, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। ठीक, अब देखो, ये तो हो गया इंटर एटॉमिक, मतलब एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है वो तो होता है ये। ठीक है, अब देखेंगे मॉलिक्यूल के बीच में कौन कौन सा बॉन्ड होता है। ठीक, तो पहला जो होता है वो होता है वांडरवाल बॉन्ड। ठीक है, वांडरवाल बॉन्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी वही बोलते हैं, वांडर वाल बल, बल लिख लो या बंध लिख लो। ठीक है, दूसरा जो होता है, देखो वांडरवाल बंध जो होता है वो भी दो तीन प्रकार का होता है, जैसे कई जगह पांच प्रकार का, जैसे लंदन फोर्स हो गया, ठीक है, डाइपोल डाइपोल फोर्स हो गया, द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो वह हो गया। दूसरा जो होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध में तुमको दो पढ़ना है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, अंत आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतर आणविक में क्या होता है, इंटर मोलिकुलर। ठीक है, और दूसरा अंत जो है वो इंट्रा मोलिकुलर। ठीक, तो ये सब टोटल तुमको पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोग कहाँ से चालू करेंगे, वैद्युत संयोजक बंध। ठीक है, अगर तुम इंटर में हो, इंटर फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, उसे कोई मतलब, तो तुमको बेसिकली ये तीनों पढ़ना, पढ़ना तो टोटल है, लेकिन अगर आएगा एग्जाम में आएगा कि बॉन्ड कितने प्रकार का होता है तो बोलना तीन प्रकार का होता है, वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, 9 PM 9 बजने वाला है। ओके, तो हेडिंग डालो वैद्युत संयोजक बंध, वैद्युत संयोजक बंध।
वैद्युत संयोजक बंध, ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, या आयनिक बॉन्ड। देखो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक ये जान लो कि इलेक्ट्रोवैलेंट का रीजन क्या है, मतलब बंध क्यों बनता है। ये तो क्वेश्चन में आ रहा होगा कि हाँ ठीक है बंध आ रहा है, ये बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बनता क्यों है, ठीक है। तो पहला जो होता है ना वो होता है टू अचीव ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल तुमने पढ़ा होगा, अष्टक नियम। तो हर कोई क्या चाहता है पूरे यूनिवर्स में, चाहे हम हो गए तुम हो गए, क्या चाहते हो कि अस्थाई होने के लिए, ठीक है। ऐसे भी एटम तत्व भी चाहते हैं कि हम भी अस्थाई हो जाएं। तो अस्थाई होने के लिए उनके आउटर मोस्ट सेल में, मतलब बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, ठीक है, तभी वो अस्थाई होंगे। तो पहला रीज़न यही है बॉन्ड बनने का कि वो अस्थाई होना चाहते हैं। जैसे देखो, जैसे Na है, सोडियम का होता है 11, 2, 8, 1। देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये सोडियम क्या चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, मैं भी अस्थाई हो जाऊं, ठीक है। ऐसे एक और देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है 17, 2, 8, 7। देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर मैं भी अस्थाई हो जाऊँ, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है, अस्थाई होने के लिए कोई भी कंपाउंड बनता है। तुमको पता होगा तत्व कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, 118, लेकिन यौगिक कितने हैं, करोड़ों यौगिक हैं, ठीक है। तो कैसे बनते हैं, अस्थाई होने के लिए बनते हैं। तो चलो दूसरा जो मेन रीजन है, दूसरा रीजन वो है पोटेंशियल एनर्जी उनका कम होना चाहिए, ठीक है। देखते हो जो छोटा बच्चा होता है वो, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इधर घूमता है उधर घूमता है, मतलब कहीं भी चला जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। देखो आयनिक बॉन्ड का अगर डिफिनेशन का बात किया जाए, वैद्युत संयोजक बंध का, तो ये होता है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से जो बंध बनता है वो क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंध, ठीक। दो या दो से अधिक परमाणुओं या तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है वो होता है वैद्युत संयोजक बंध। देखो एग्जाम्पल से, जैसे नमक NaCl, ठीक है। तो NaCl तो बन गया, लेकिन इसके पीछे का कहानी क्या है वो देखो। देखो Na है, Na अभी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्या है Cl, Cl को यहाँ पे रख लो, Cl अभी किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में, ठीक है। तो तुम पीरियोडिक टेबल में तुमने पढ़ा है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। देखो इसमें जो है ना बेसिकली तीन चीज़ समझना है, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और क्रिस्टलीय ऊर्जा। अगर ये तीन चीज़ तुमको समझ में आ गया तो समझ जाओ ये चैप्टर तुमको समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान से समझना क्या होता है। तुमको पता होगा आयनन ऊर्जा, लास्ट लेक्चर में तुमने पढ़ा भी होगा, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, दो चीज़ तो मैंने बताया था। लैटिस एनर्जी जो होता है क्रिस्टलीय ऊर्जा, मैं अभी बताऊँगा, नेक्स्ट टॉपिक में भी आएगा लैटिस एनर्जी, ठीक है। देखो Na क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो तुमने आयनन ऊर्जा का डिफिनेशन क्या दिखा था कि गैसीय परमाणु के बाह्य कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई दोस्त है घर पे, ठीक है, उसके मम्मी पापा सब कोई उसके साथ है, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ लालच देना पड़ेगा, क्या मार्केट में मैं तुझे कुछ खिलाता हूँ, तभी तो वो बाहर आएगा, ठीक। ऐसे ही ये सोडियम क्या है, सॉलिड स्टेट में है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में हमें ऊर्जा देना पड़ेगा, ठीक। तो देखो Na अभी सॉलिड फॉर्म में है, तो Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो ये क्या बन गया, Na+ बन गया, ठीक है। ये किस में हो गया, गैस में। क्यों गैस में, तुमको पता है जो परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, वो गैस में अकेले पाए जाते हैं, ठीक है। सॉलिड में तो अकेले पाए नहीं, जैसे ये देखो ये सॉलिड है, इसमें क्या परमाणु अकेले अकेले हैं, नहीं, लिक्विड में भी अकेले नहीं पाए जाते, गैस में पाए जाते हैं, ठीक। इसीलिए मैंने इसको गैस किया, ठीक है, कि गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में
जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है वही क्या होता है आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं आयनन ऊर्जा लिख सकता हूँ, आयनन ऊर्जा। ठीक है, इसको आई ई लिख ले रहा हूँ। ठीक, अब देखो ये क्या है क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन को हमको लाना है Cl- में, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का डिफिनेशन क्या है कि गैसीय परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने पे जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब देखो जैसे कोई भी चीज़ हो गया, हम किसी को देंगे तो खुश होगा बंदा कि उसको कुछ मिला है, जैसे हमी को कुछ मिलेगा तो हम खुश होंगे, तुम्हें को कुछ मिलेगा तो तुम खुश होगे। ठीक है, ऐसे ही एक परमाणु है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन क्या किया एक इलेक्ट्रॉन लिया, किस अवस्था में गैसीय अवस्था में, जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बना Cl माइनस, किस में गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो जब Cl से एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस मिला तो ये खुशी होगा इसको, तो इसमें से क्या होगा एनर्जी निकलेगा, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता को क्या मैं ई ए लिख दूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई ए लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब बताओ हमको सोडियम है ये Na से Na प्लस बना। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं जैसे कोई भी काम हो रहा है तो हम चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते में वो काम हो जाए। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा जितना कम से कम लगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, और देखो क्लोरीन क्या किया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या बना Cl माइनस। ठीक है, तो इसने क्या किया ऊर्जा उत्सर्जित किया। ठीक है, तो जब ये ऊर्जा उत्सर्जित किया तो जितना ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित किया उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, आयनन ऊर्जा जितना कम हो वो अच्छा है, क्यों, क्योंकि किसी एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं मैंने बाहर से ऊर्जा दिया है तो मैं यही चाहूँगा कि कम ऊर्जा देकर ज़्यादा काम ले लूँ, तो आयनन ऊर्जा जितना कम हो उतना अच्छा हो। अब देखो यहाँ पे तो ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ तो हम लोग दे नहीं रहे हैं तो ऊर्जा अपने आप उत्सर्जित हो रहा है, तो हम चाहेंगे यही कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जित हो वो। ठीक है, ठीक, अब देखो हमको क्या मिल गया Na प्लस मिल गया और Cl माइनस। अब देखो Na प्लस मिल गया गैसीय स्टेट में, Cl माइनस मिल गया गैसीय स्टेट। ठीक है, अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे NaCl। अच्छा एक बात ध्यान दो, Na प्लस इसने मान लो इसके पास पहले कितना था सोडियम के पास 11। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब क्या बच गया 10, एक इलेक्ट्रॉन जब दिया तो इसके पास 10 बच गया तो कितना हुआ 2, 8। ठीक है, अब तो ये स्टेबल है, इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा तुम खुद सोचो कि जब इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तब ये क्यों रिएक्शन कर रहा है, सबको यही चाहता है कि परमाणु के मेरे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अब तो इसके पास बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तब ये क्लोरीन से रिएक्शन क्यों कर रहा है, बॉन्ड क्यों बना रहा है। देखो कोई भी चीज़ होता है, देखो यहाँ पे जी लिखा हूँ, जी मतलब गैस, कोई भी परमाणु है वो गैस अवस्था में स्टेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसको किस में जाना पड़ेगा सॉलिड स्टेट में। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या है ये दोनों अनस्टेबल है, इसको तुम क्या लिख सकते हो अनस्टेबल। Na प्लस अभी अनस्टेबल में है, क्लोरीन माइनस अनस्टेबल, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा NaCl, किस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म, अब ये हो गया स्टेबल। तो देखो यहाँ पे हमको क्या हम लोग दिए आयनन ऊर्जा, यहाँ पे क्या ऊर्जा उत्सर्जित हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आयनन ऊर्जा जितना मिनिमम हो उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक, मिनिमम बोलो या कम बोलो, किसी भी चीज़ में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी कम ऊर्जा लगे वो ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना ज़्यादा हो मैक्सिमम हो उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है। अब देखो जब गैसीय परमाणु, ये सोडियम प्लस है, प्लस को क्या बोलते हैं कैटायन, ठीक है कैटायन या धनायन बोलो, तो जब गैसीय धनायन और गैसीय रिडायन आपस में संयुक्त होकर NaCl कंपाउंड देते हैं तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है। देखो कब गैसीय परमाणु कैटायन, गैसीय परमाणु एनायन जब आपस में संयुक्त होकर NaCl का निर्माण करते हैं तो उस समय एनर्जी रिलीज होती है, क्यों रिलीज होती है क्योंकि स्टेबल होने के लिए। ठीक है,
इस समय जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक है, क्रिस्टलीय ऊर्जा, क्रिस्टलीय ऊर्जा, क्रिस्टलीय ऊर्जा बोलते हैं, कई जगह जालक ऊर्जा भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ऊर्जा या जालक ऊर्जा। क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि ये दोनों अभी अनस्टेबल थे, इनके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा था, तो जब बहुत ज़्यादा ऊर्जा था तो ये दोनों आपस में मिले, तो क्या हमको प्राप्त हुआ, NaCl का कंपाउंड क्रिस्टल, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और क्या मिला हमको, लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्रिस्टलीय ऊर्जा जितना ज़्यादा उत्सर्जित हो उतना हमारे लिए अच्छा है, क्यों, क्योंकि फिर से ये बॉन्ड तोड़ने के लिए, NaCl का बॉन्ड तोड़ने के लिए उतना फिर से ऊर्जा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्रिस्टलीय ऊर्जा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक। तो तीन कंसेप्ट था, आयनर ऊर्जा कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा होना चाहिए, और लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लैटिस एनर्जी पे फुल वीडियो अभी नेक्स्ट में आएगा, जब मैं पढ़ाऊँगा वॉर्न हाइवर साइकिल, ठीक है, तो उसमें आएगा, फजांस रूल्स में भी है, ठीक। तो ये था, तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, डिफिनेशन देखो यहाँ पे लिख लो, देखो ये डिफिनेशन क्या लिखेंगे, डिफिनेशन अगर लिखना है वैद्य संयोग बंध का तो ऐसे लिखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये दो से अधिक तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। देखो यहाँ पे क्या है, स्थानांतरण, अब समझो स्थानांतरण क्या है, स्थानांतरण मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे सामने कोई लड़का है तो मैंने जैसे ये मार्कर मैंने उसको दे दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, स्थानांतरण, ठीक है। जैसे देखो NaCl बना है तो Na के बाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक, क्यों, दो आठ एक, यही ना होता है, तो इसके बाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। क्लोरीन के बाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सात, दो आठ सात लिखते हैं तो बाय कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, सात, ठीक है। तो ये देखो, दो या दो से अधिक तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है, देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको स्थानांतरण कर देगा, ठीक है, दे देगा, तब क्या बन जाएगा, ऐसे नोट डाउन करेंगे, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया था, इनके मध्य क्या होगा, एक फोर्स होगा, ये हो गया NaCl का कंपाउंड बन गया। देखो कोई भी आयनिक कंपाउंड है, NaCl है चाहे MgCl2 है, ठीक है, इनमें कौन सा फोर्स कार्य करता है, स्थिर वैद्युत बल, ये बात ध्यान रखना कि आयनिक कंपाउंड में स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तुमसे कोई पूछे कि आयनिक कंपाउंड में कौन सा बल कार्य करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, ठीक है। देखो बेसिकली जो होता है ना, इन आयनिक बॉन्ड में कोई बंध होता नहीं है, एक फोर्स होता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो NaCl है इनमें कोई बॉन्ड पाया ही नहीं जाता, ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इनकी विशेषताएँ क्या है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड का विशेषता, तो नोट डाउन कर लो, ओके, रफ करो, देखो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आयनन ऊर्जा कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और क्रिस्टलीय ऊर्जा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा ऊर्जा निकलेगा वो ठीक है, क्यों, स्टेबल होने के लिए। देखो अब हम पढ़ेंगे वैद्युत संयोग बंध के लक्षण या विशेषता,
विशेषताएं। देखो पहला विशेषता तुम ये लिख सकते हो कि इनकी जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस होती है। भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस। फिजिकल स्टेट सॉलिड। भौतिक अवस्था ठोस होती है। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट लिख सकते हो इसमें। देखो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से ये बंध बना, तो दूसरा पॉइंट लिख लो कि ये जो बंध है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से बना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध बनता है। स्थानांतरण तुमको पता है कि ये कोई बॉन्ड वॉन्ड होता नहीं है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बंद बनता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। इनका जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। इनके गलनांक और क्वथनांक, इसको लिख लें मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है? हाई, हिंदी में लिख लो ऊंच होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट ये लिख सकते हो ये जो ठोस अवस्था में होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं कब? सॉलिड में, ठोस में। ठीक है, सॉलिड में क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक। लेकिन चौथा पॉइंट लिख लो, गलित अवस्था मतलब मोल्टेन स्टेट, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों होते हैं? अब समझो, जैसे NaCl है, ठीक, NaCl है। देखो सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज में इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सॉलिड है, देखो तो ये क्या है, अभी सॉलिड स्टेट में है, तो इनके जो आयन होते हैं वो मुक्त नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, कहीं भी नहीं घूम सकते। देखो इसमें ये परमाणु है, तो परमाणु फ्री है? नहीं फ्री है, एकदम पैक है इसमें सॉलिड में। तो जब इनको लिक्विड में डाला जाता है, पानी में डाला जाता है, तो ये क्या किस में टूट जाता है? Na प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। तब देखो अब तो ये दोनों टूट गए, अब किस में आ गए? आयन में। ठीक है, तो जो जो आयन होता है वही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराता है। ठीक है, तो गलित अवस्था में जैसे नमक ले लेना, ठीक है, उसको पानी में डाल देना, देखना जो नमक होता है वो धीरे धीरे घुल जाता है। तो क्या होता है कि उनके जो आयन होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, Na प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है, ये गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, नोट डाउन करो। लास्ट पॉइंट और एक लिख लो, ये छठवां पॉइंट है, ये समयावता आइसोमेरिज्म, ये समयावता प्रकट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, समयावता को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये समयावता प्रकट नहीं करते। समयावता आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जिनका आणविक सूत्र जो होता है वो समान हो, जिनका और जो उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, वही होता है समयावता। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछेगा समयावता क्या होता है, तो बोल देना कि जिनका आणविक सूत्र जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो समान हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या हो? भिन्न भिन्न हो, मतलब एक तत्व के अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर।
ठीक है, जैसे NH2CO, NH2 है, यूरिया है, ठीक है, वो भी समयावतार प्रकट करते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड समयावतार प्रकट नहीं करते हैं। ठीक है, क्या प्रकट करते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, सातवां पॉइंट पे लिख सकते हो कि आइसोमॉर्फिज्म प्रकट करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि जो 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसे NaCl है, ठीक है, तो NaCl तभी एक ही परमाणु है, इसमें से अगर एक क्रिस्टल बनाया जाए, NaCl का क्रिस्टल 3D डायमेंशन में बहुत सारे NaCl के परमाणु रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, NaCl का क्रिस्टल बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो कैटायन और एनायन का जो साइज होगा वो समान होना चाहिए। ठीक है, कैटायन मतलब Na प्लस क्या है, कैटायन, Cl माइनस क्या है, एनायन। ठीक है, तो इनका जो साइज होता है वो समान होता है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म यूज करते हैं, मतलब प्रकट करते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हो, ये जल में विलेय होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है उसको जल में डालोगे तो वो विलीन हो जाएगा, ठीक है, उनके आयन टूट जाएंगे, लेकिन कार्बनिक विलायकों में डालोगे तो वो अविलय होते हैं। ठीक, तो ये था टोटल वैध संयोग बंध। अब हम लोग जान देते हैं सहसंयोग बंध क्या होता है। ठीक है, नोट डाउन करते रहो। दूसरा क्या है, सहसंयोजक बंध कोवैलेंट बॉन्ड। कैमरा चालू है ना, ठीक है, देखो तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में क्या था, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर था। ठीक है, जैसे मैंने तुमको एग्जांपल में बताया था, कोई दोस्त है मेरा, मैंने इसको उसको दे दिया, ठीक है, इस मार्कर को उसको दे दिया, मैंने क्या किया, इस मार्कर का ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, पहले मेरे पास था, अब उसके पास। इसमें क्या होता है, मैंने क्या किया, जैसे मुझे कुछ ख़रीदना है, समझ लो बाइक ही ख़रीदना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मान लो 80,000 का बाइक है, तो 40,000 मैंने दे दिया और 40,000 मेरे दोस्त ने दे दिया। ठीक है, कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य यह है कि हम दोनों ने क्या किया, शेयर कर लिया। ठीक है, हम दोनों ने क्या किया, शेयर कर लिया, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो होगा सहसंयोजक बंध। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है वो होता है सहसंयोजक बंध, समझो। मतलब डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉनों के, पूरा तुम लोग पूरा डिफिनेशन लिखा है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है वो क्या होता है, सहसंयोजक। जब इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। देखो क्या, जब इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उन्हें क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध, समझो। जैसे HCl हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, HCl। अब देखो इसने क्या किया, तुमको पता है हाइड्रोजन के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक, क्लोरीन के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, सात, छः, एक, इसका हो गया सात। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र नहीं करेगा, देखो मेन टॉपिक ये है
कि सहसंयोजक कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि वैध संयोजक बंद है कि सहसंयोजक बंद है, ठीक है ये थोड़ा सा जान लो। देखो आयनिक कंपाउंड में क्या था, वैध संयोजक बंद में NaCl था, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, एक धातु होता है एक अधातु होता है, ठीक है, एक मेटल होता है एक नॉन मेटल। जैसे सोडियम क्या है, क्षारीय धातु है, क्लोरीन क्या है, एक गैस है, मतलब एक अधातु है, ठीक। जब धातु और अधातु के मध्य जो बॉन्ड बनता है वो होता है वैध संयोजक बंध, ठीक। सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि दोनों जो परमाणु होते हैं वो अधातु होते हैं। तुमको पता है हाइड्रोजन क्या है, अधातु, गैस है एक अधातु है, क्लोरीन क्या है, एक गैस है एक अधातु है, ठीक। दोनों अधातु में आते हैं तो इनके मध्य जो बंध होगा वो सहसंयोजक बंध होगा, ठीक है। तो इसने हाइड्रोजन क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इसने क्या किया क्लोरीन के एक एटम के साथ साझेदारी कर दिया। साझेदारी का मतलब क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एक इसका, हाइड्रोजन का दो पूरा हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या चाहता है कि मेरा अगर फुलफिल होना चाहिए तो दो होना चाहिए, ठीक। सब कोई तत्व चाहता है कि मेरा आठ, लेकिन हाइड्रोजन है जैसे लिथियम है तो ये सब क्या चाहते हैं कि मेरे बाह्यकोश में दो इलेक्ट्रॉन हो तो मैं फुल हूँ, ठीक। तो अब देखो हाइड्रोजन के बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी दो, ठीक है, तो ये भी अस्थाई हो गया। अब क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का पहले सात था, इससे क्या किया साझा कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो दोनों साझा जो वाला जो बॉन्ड है साझा वाला, इसी को क्या बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध मतलब इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे H2 है, H2 एक मॉलिक्यूल्स है, तो H2 कैसे बना होगा, दो हाइड्रोजन्स हैं ऐसे ही बना होगा। तो हाइड्रोजन के बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के बाह्यकोश में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों अभी अलग अलग हैं तो इनके पास भी एक है, इनके पास भी एक है, ठीक है। तो क्या चाहेगा, या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं या एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो यहाँ तो दे नहीं सकता तो न ले सकता है, तो अब क्या कर सकता है साझा कर सकता है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ए वाला एक ए वाला, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन, एक ए वाला एक ए वाला, ठीक है। तो दोनों क्या कर लिए साझा कर लिए, यही होता है सहसंयोजक बंध। इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है वो सहसंयोजक बंध। इसमें बस ये ध्यान रखना कि जो दोनों परमाणु होंगे सहसंयोजक बंध में दोनों अधातु होंगे, नॉन मेटल, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या था मेटल। तो इसमें भी विशेषता लिख लेना कि इनके ये इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो जो बंध बनता है वो क्या होता है सहसंयोजक बंध, ठीक। दूसरा विशेषता ये लिख लेना कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है गलनांक और क्वथनांक वो वैध संयोजक बंध से कम होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये लिख लेना कि ये जल में अविलय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, ठीक है। तीन पॉइंट ये लिख लूँगा। चौथा पॉइंट ये लिखना कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। पांचवा पॉइंट ये लिख लेना कि ये जो होते हैं आइसोमेरिज्म प्रकट करते हैं, मतलब साम्यावस्था प्रकट करते हैं, ठीक है। तो पाँचवीं पॉइंट था इसमें। अब हम लोग पढ़ लेते हैं उपसहसंयोजक बंध क्या होता है। देखो उपसहसंयोजक बंध होता है ना, कई वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो सहसंयोजक बंध होता है वही उपसहसंयोजक बंध होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। उपसहसंयोजक बंध में उसमें भी इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता है। अब उसमें देखो कैसे साझेदारी होता है। तीसरा कौन सा बंध है, उपसहसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध का वो तुम विशेषता लिख लेना, ठीक है, उपसंयोजक बंध। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो इसका डिफरेंशन का बात किया जाए तो ये होता है कि वह बंध जिनमें साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु दे देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे कोई तत्व तो ए है, ठीक है, एक कोई तत्व तो बी है, ठीक है, इसके पास मान लो छः इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, ए के पास बाह्यकोश में दो इलेक्ट्रॉन है, बी के पास बाह्यकोश में छः इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ए वाला बी को दे देगा, ठीक है, ए वाला क्या करेगा बी को दे देगा,
ठीक है, तीन में जो साझे का दो दोनों इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही परमाणु दे देता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होगा वो होता है उत्सर्जनक बॉन्ड, जो देता है, जैसे मतलब ए ने दिया है इसको बोलेंगे दाता, जो बी लिया है उसको बोलेंगे ग्राही, ठीक है, डोनर, इसको बोलेंगे एक्सेप्टर। जो देगा वो डोनर होगा, जो लेगा वो ग्राही होगा, एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो डिफिनेशन लिख लो, वह बंध जिनमें साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु देता है, ठीक है। वह बंध जिनमें साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही परमाणु देता है उपसंयोजक बंध कहलाता है। इसमें आगे और भी लिखना है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे दाता और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे ग्राही कहते हैं, ठीक है। देखो, दाता से ग्राही की ओर हम लोग एक तीर का यूज करते हैं, ठीक है। ये जहाँ भी तुमको तीर दिख जाए तो समझना कि ये जो बॉन्ड बना है वो किसमें बना है, उपसंयोजक बॉन्ड में, ठीक है। दाता से ग्राही की ओर हम लोग क्या करते हैं, एक वो तीर का चिन्ह दे देते हैं जिससे पता चले कि ये कौन सा बंध है, उपसंयोजक बंध, ठीक। ये था उपसंयोजक बंध। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसका एग्जांपल है तुम्हारा NH3BF3, ठीक है। एग्जांपल समझो, नाइट्रोजन के बाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ, ठीक है। ये तुम्हारा NH3BF3 का बन गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, BN जो होता है नाइट्रोजन वो बोरान को दे देता है, ठीक है। क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बोरान को दे देता है। तो अब क्या हो गया, इनमें के साझे का दोनों जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ही परमाणु दूसरे परमाणु को दे देता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, दाता, बोरान क्या हो जाएगा, ग्राही, ठीक है। यही है तुम्हारा उपसंयोजक बंध। देखो, इनकी विशेषता के बारे में बात किया जाए तो पहला जो विशेषता हो यही हो जाएगा कि ये इनका क्वथनांक और गलनांक, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वैद्युत संयोजक बंध से कम लेकिन सहसंयोजक बंध से अधिक होता है। ये बात ध्यान रखना कि जो उपसंयोजक बंध होता है इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो वैद्युत संयोजक बंध से कम तो होता है लेकिन सहसंयोजक बंध से ज़्यादा होता है, ठीक है। और सब सेम ही है कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, ठीक है। ये भी समय अवता प्रकट करते हैं, ठीक है। यही था आज के टॉपिक में।